पुणे से हमारे मेहमान खुसूसी शहर बेंगलोर मदरसा मरकजुल उलूम बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं। कोई मोहताज तआरुफ नहीं है, आप हजरात ने हजरत का गैबाना तरीके से तआरुफ सुन लिया होगा या इसी तरह नेट वगैरह का जमाना है। आप हजरात ने नेट पे भी देखा होगा, हजरत के एक भी बयान नेट पे अपलोड हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आज वो वक्त वो भी आ चुकी है कि जब हम नेट के जरिए हजरत को देखा करते थे, हजरत के बयान सुना करते थे, आज वो हजरत हमारे सामने रूबरू हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अहलम व सहलम मरहबा कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहु, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी टीम की नसीहतों से हम तमाम को मुस्तफ़ीद फरमाएं। शेर के साथ चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। हजरत मौलाना से गुजारिश है अदबन इकरामन कि आप अपने टीम की नसीहतों से हम तमाम को मुस्तफ़ीद और महबूब फरमाएं। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि ईको बंद करें, नाक के वक्त ईको चालू रखें, बाकी वक्त बंद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین अजीज़ नौजवानों प्यारे बच्चों, इस वक्त में हम लोग जिस मजलिस में बैठे हुए हैं, ये मजलिस एक बेदारी मजलिस है। इल्मी एतबार से हमें बेदार करने के लिए यहाँ पर जोड़ा गया है। और बेदार क्यों कराया जा रहा है, उसका मकसद ये है कि हम लोग जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ हम नहीं हैं, जहाँ पर जमाना चाहिए वहाँ पर जमा नहीं रहे हैं,
जिसके बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए उसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं है। बेदार करना एक है सोने वाले को जगाना, ताकि उस इंसान को जिसकी रूह परवाज हो रही थी आसमान की तरफ, उसको जगाया जाता है। उलमाए मुहक्किकीन लिखते हैं कि रूह की परवाज के मिकदार के मुताबिक इसके जगाने का भी मिकदार होता है। किसी की रूह बहुत दूर तक परवाज हो गई, उसे आप जगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच मर्तबा आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको उसका नाम लेना पड़ेगा। लाम लेने के बावजूद वो हरकत में नहीं आ रहा है तो हाथ लगाना पड़ेगा, हाथ लगाने के बावजूद हरकत में नहीं आ रहा है तो फिर पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जगाने वालों की अकसाम अलग अलग हैं। किसी को हल्का सा जगाए तो जाग गया, किसी को ज़ोर से जगाए तो जाग गया, किसी को मार कर जगाए तो जाग गया, किसी को पानी डालकर जगाए तो जाग गया, लेकिन जागेगा ज़रूर। इसी तरह उम्मत का तबका इल्मी बेदारी से जो गाफिल हो रहा है, गफलत किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ। जिन लोगों को ज़्यादा तरगीब देने की ज़रूरत नहीं, हल्के से इशारे में वो तरगीब पा लेते हैं। जिनको तरगीब दे कर वो लोग तरगीब पाए नहीं, फिर उसके बाद एक वक्त आता है, उस वक्त में वो लोग तरगीब पाते हैं और फिर वो बेदार होते हैं। बाज़ लोग बेदार कब होते हैं? जब उनके औलाद नाफरमान हो जाती हैं, जब उनकी औलाद शरीर हो जाती हैं, जब उनकी औलाद कमीनी हो जाती हैं, जब उनकी औलाद रजालत में उतर जाती हैं, जब कुत्तों की तरह माल के लिए लड़ने लगते हैं, तब वो बेदार होते हैं। काश मैं अपने औलाद को कुछ सुधारने के रास्ते में लगाया होता, काश मेरी औलाद को अय्याशी से बचाया होता, काश मैं पैसों का लत ना लगाया होता, काश मैं इनको आज़ादी ज़िंदगी गुजारने का मौका ना दिया होता, काश इनके मदरसे से भागकर आने पर चार चपत लगाकर ले जाकर मदरसे में दोबारा छोड़ दिया होता। आज जो नौबत मैं देख रहा हूँ, देखने की नौबत ना आती। और फिर वो नियत करता है कि अब मेरी औलाद नहीं बनी तो नहीं बनी, चलो कम से कम पोतरों को बनाता हूँ, नवासों को बनाता हूँ, आगे आने वाली नस्लों को बनाता हूँ। अब वो सिलसिला आगे बढ़ाता है। अब वो बेदार हुआ कब? 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद। हजरत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में हमारे ये इलाके माशाल्लाह दावत और तबलीग की मेहनत से दीनदार हुए हैं। दावत की बरकत है नमाजी बने, दावत की बरकत है दाढ़ी वाले बने, दावत की बरकत है अल्लाह ने हम लोगों को दीन का कुछ सूझबूझ दिया, दावत की बरकत से उलमा इकराम यहाँ पर बने। तो दावत के बरकत हम लोग हर जगह देखते हैं। हज़रत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में 3 दीन जो लगाया करता था। अभी मैं केरला के सफ़र से वापस आ रहा हूँ, चार दिन पहले, तो मैंने ये एक साहब से पूछा, हज़रत आपके बच्चे कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे आलिम हैं, एक मुफ्ती हैं और 2 आलिम हैं और 2 नदवे से फारिग हैं और 1 दारुलूम देवबंद से फारिग हैं। फिर मैंने पूछा आपके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? कहाँ, सिर्फ 3 दिन लगाकर। मैं एक ऑफिसर हूँ, एक ऑफिस में काम करने वाला, एक नौकरी करने वाला, और मेरा काम इधर उधर जहाँ कहीं भी मौका मिलता था वहाँ जाया करता था, लेकिन जिस वक्त में 3 दिन लगा कर आया, वो साहब कहने लगे 3 दिन जब लगा कर आया। असल मुझे ताज्जुब ये हुआ, आप कितने साल से दावत में हैं? ये मैंने पूछा। कहा 2001 से। मैंने कहा 2001 से दावत में हैं और आपके 3 बच्चे आलिम हो गए और एक आलिम होकर 6 साल से मदरसा चला रहे हैं, वो कैसे? इसलिए कि आम तौर पर दावत में लगने के बाद उनके अंदर बेदारी पैदा होती है कब?
पहले 3 दिन लगाते हैं, पहले उसके बाद 40 दिन लगाते हैं, फिर 4 माह लगाते हैं, फिर उसके बाद कुछ हवारीन मिलते हैं, कुछ दोस्त अहबाब मिलते हैं, कुछ मुतल्लिकीन मिलते हैं, कुछ दीनदार तबके से ताल्लुक़ होता है, फिर उसके बाद उनके अंदर ये बात और ये जज्बा और ये इरादा पैदा होता है कि हमें अपनी औलाद को दीनदार बनाना चाहिए, आलिम बनाना चाहिए, हाफिज़ बनाना चाहिए। बाद में जाकर वो हाफिज़ और आलिम बनाते हैं। और आप की कारगुजारी से ये पता चला 2001 से आपका बेटा हिज़्ब में जमा हो गया, तीनों के तीनों, फिर हाफिज़ बने, आलिम बने, फारिग होकर माशाल्लाह 6-7 साल का अरसा गुजर गया। वो कैसे? तब वो कहने लगे सिर्फ मैं 3 दिन लगाकर मदरसे में दाखिल करा दिया। भाई ओ भाई छोड़ डालो, सब छोड़ डालो, सब छोड़ डालो, ज़रूरत नहीं है उसकी। जो दूर हैं वो करीब आ जाओ। ये जो खाली जगह है इसे पूरा कर लो, परवाह नहीं। ये यहाँ रास्ता है, यहाँ रास्ता ना होता तो इसे पूरा करने की ज़रूरत ना पड़ती। ये खाली जगह पूरा कर लो, एक एक कुर्सी लाकर यहाँ लगा लो, लाइन से बैठो। यहाँ माशाल्लाह रास्ता है आने जाने के लिए, लगा लो भाई। आ जाओ इधर, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आ जाइए बैठ जाइए। हाँ बस बैठ जाओ, माशाल्लाह। और आपकी आवाज़, आप तक आवाज़ इंशाल्लाह पहुँच जाएगी जबकि आपकी आवाज़ ना टकराए। अगर आपकी आवाज़ ना टकराए इंशाल्लाह आवाज़ पहुँच जाएगी। तो आप भाई पीछे वाले को भी ज़रा सामने बुला लियो, पीछे वालों को भी ज़रा सामने बुला लो। हाँ माशाल्लाह, आ जाओ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था दावत तबलीग के इब्तदाई दौर में जितना हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर लोग मशवरा करते थे, गौर से सुनो, जितने लोग सबसे हज़रत फरमाया करते थे अपने बच्चों को हाफिज़ बनाए, हाफिज़ बनाए, हाफिज़ बनाए, आलिम बनाए, आलिम बनाए, तो दिल्ली से लाकर लोग कर्नाटक में दाखिला कराते थे, दिल्ली से लाकर तमिलनाडु में दाखिला होता था, दिल्ली से लाते थे बेंगलुरु में दाखिल कराते थे। बैरून ममालिक के लोगों ने जब मौसम के बारे में कहा कि हज़रत हम लोग यूपी के मौसम से मुत्तफिक नहीं हैं, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है तो क्या करें, तो हज़रत ने 26 लोगों को दारुलूम सबीलुर रशाद का रास्ता बताया, जाइए बेंगलुरु में बेहतरीन मौसम है वहाँ जाकर जमा कीजिए। उस ज़माने में जितने तबलीगी घराने थे सब घर में एक आलिम दो आलिम, एक आलिम दो आलिम, एक आलिम दो आलिम, यहाँ तक कि हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इलाके में ऐसी मेहनत की, ऐसी मेहनत की, ऐसी मेहनत की, जितने लोग तबलीग में जाते थे वापस आने के बाद पूरे बच्चों को मदरसे में दाखिल करा देते थे। और आपको मैं बताऊँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा साल लगाए हुए उलमा अगर किसी सूबे में है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है, अगर किसी ज़िले में है, वो पालनपुर का ज़िला है जहाँ पर आज 6,500 एक ज़िले में साल लगाए हुए हैं, 6,500 उलमा। छोटा सा गांव, 150 घर मस्जिदवार जमात में बैठे हुए हैं। हमने पूछा हमें बताओ तुम्हारे यहाँ उलमा कितने हैं, कहने लगे हमारे यहाँ 170 उलमा हैं, 150 का गांव। अब हमारा गदक का इलाके का आप जायज़ा लें, गदक में मकामात मकानात कितने हैं, हमारे उलमा कितने हैं, खाली एरिया का उठा लो, यहाँ मकानात कितने हैं, 500-600 तो मकानात होंगे, उलमा कितने हैं, एक उलमा कितने, दो मिल गए बहुत मुश्किल। वरना मेरे अजीज भाइयों हमारे इलाकों में हजारों की तादाद में मकानात होने के बावजूद एक भी आलिम महल्ले का नहीं है। जैसे हम फख्र महसूस करते हैं हमारे खानदान में कोई डॉक्टर का आ जाना, फख्र महसूस करते हैं हमारे खानदान में कोई इंजीनियर का मिल जाना, फख्र महसूस करते हैं हमारे खानदान को कोई प्रोफेसर का आ जाना, लेकिन अफसोस की बात है हमारे खानदान के खानदान उलमा से खाली है, खानदान के खानदान हुफा से खाली है। इतना बदतरीन खानदान, हजरत थानवी ने फरमाया मनहूस खानदान वो खानदान है जिस खानदान में ना हाफिज हो ना आलिम हो। अब आप हमारे खानदानों को उठाकर देखें, आज उसी बेदारी के लिए जोड़ा गया है, यहाँ सिर्फ आना
देखना चले जाना काफ़ी नहीं है। एक ज़माना था इल्म हासिल करने के लिए दूर दूर का सफ़र किया करते थे, आज का ज़माना है दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का फजल है आपको अपने इलाके में शोबे हिफ्स के लिए तालीम मिल जाएगी, अपने इलाके में आलिमियत की तालीम मिल जाएगी, अपने इलाके में आप जो आलिम बनाना चाहते हैं आराम से आलिम बना सकते हैं। इतनी इस्तेदाद वाले उलमा अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गए। अब तो हम कहते हैं जिस तरह चप्पे चप्पे में स्कूल है उसी तरह चप्पे चप्पे में मदारिस खोला करो। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मकौला है, हजरत ने फरमाया जब तुम देखो किसी शख्स को, किसी जमात को, किसी फिरके को, किसी तबके को, किसी भी अंजुमन को या किसी भी एतबार से खिदमत गुजार कमेटी को वह इल्म और उलमा से दूर कर रहे हैं, समझो कि यहूदियों के एजेंट हैं। साफ लिखा हुआ है मलफूजात में, उठाकर देखो। अगर तुम देखो किसी शख्स को, किसी तबके को, किसी कमेटी को, किसी अंजुमन को कि वो इल्म और उलमा से दूर कर रहे हैं, समझो कि यहूदियों के एजेंट हैं। क्यों? यहूदी की सबसे पहली मेहनत ये होती थी इल्म और उलमा को ख़त्म कर दिया जाए, उलमा की नफ़रत बिठा दिया जाए, उलमा से दूर कर दिया जाए। जब ये तबका उलमा से दूर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वह अब भी है। तुम खुली तोटी में कुत्तों की तरह हो जाओगे, फिर तुम्हारे लगाम किसी के हाथ में नहीं होगा। अब तुम उलमा से जुड़े रहोगे तो क्या करेंगे उलमा? आपसे कहेंगे ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तुम अगर आज़ादी चाहते हो तो क्या करोगे? उलमा के पास जाना कहीं को, उलमा के पास पूछना क्यों, उलमा के पास रहना क्यों, उलमा के पास बैठना क्यों? बैठेंगे तो यूं कहेंगे, यूं कहेंगे, यूं कहेंगे, यूं कहेंगे। इनके तमाम कहीं सुनी बातों से अगर हम दूर रहना चाहते हैं तो क्या करो? तो उलमा उनो बराबर नहीं, इनो बराबर नहीं, उनो बराबर नहीं, इनो बराबर नहीं। आखिरकार किसी भी आलिम से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, ऐसे उलमा से ताल्लुक रखो। मैं तो आमतौर पर क्या करता हूं, एक साहब कहने लगे भाई उलमा से तुम्हारा ताल्लुक है क्या? हाँ है। कौन से आलिम से है? फलां से। वो क्या करते हैं? नहीं, हमारे यहां ट्यूशन पढ़ाने आती हैं। मैं बोले ये क्या जो उलमा से ताल्लुक है? ट्यूशन पढ़ाने वाले आलिम से ताल्लुक क्या है? अरे भाई वो अल्लाह का बंदा ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है, महरम और ना महरम की उसके पास तमीज नहीं, वो हलाल हराम क्या सिखाएगा? जिसके पास महरम और ना महरम की तमीज नहीं वो हलाल हराम क्या सिखाएगा? और तमाम औरतों के सामने बैठ के जनाब पढ़ा रहे हैं, वो हलाल हलाल हराम क्या सिखाएंगे? हम कुरान क्या कहता है? फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ऐसे उलमा से अपना रब्त जोड़ा करो जो अल्लाह से डरने वाले हो। अहले ज़िक्र से मराद कौन? अहले ज़िक्र, अहले ज़िक्र वो हैं जो आखिरत को हमेशा अपने दिल और दिमाग में बसाए रखते हैं, जिनके दिल में, जिनके दिमाग में अल्लाह का डर है, अल्लाह का सवाल का खौफ है, डर है। वो डरते हैं मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा। ये डर जिसके दिल के अंदर भी हो वो अहले जिक्र कहलाया जाता है। और यहाँ क्या कहते हैं? उनसे पूछो जो अल्लाह से डरते हैं। लोगों से डरने वाले मसाइल बदल देते हैं। क्या भाई, क्या जी तुम्हें हलाल बोले कहते ना? नहीं भाई वो हराम वो। क्या जी तुम्हें हराम बोले कहते ना? नहीं जी जी वो हलाल वो। क्यों? जैसा रोबदार आकर सामने मुखातब होता है मसला ही बदल जाता है। हराम तो हराम, हलाल तो हलाल, ये कहने वाले अहिल्लुल हलाल व हर्रिमुल हराम, الحلال بين والحرام بين بينهما مشتبهات। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहिल्लुल हलाल, हलाल हलाल है तो हलाल बताओ, हराम है तो हराम बताओ। ये कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं चलती हमारे ये हमारे इस्लाम में। मैं कल तफसीर में कह रहा था कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम लिय दीन। लोगों ने आकर कहा अल्लाह के रसूल से, सरकार आप इतनी बात मान लें, एक साल हम सब मिलकर आपकी खुदा की पूजा करेंगे, एक साल हम आप सब मिलकर हमारी खुदा की पूजा कीजिए। मेजॉरिटी बढ़ जाएगी,
वोटर्स बढ़ जाएंगे, तादाद बढ़ जाएगी, अफराद बढ़ जाएंगे। आयत नाज़िल हुई, नहीं, कह दो इन तमाम कहने वालों से, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों सुनो, ला अबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, वला अंतुम अबुदून मा अबुद, तुम लोग ऐसे जिद्दी हो, जिसकी इबादत मैं करता हूँ उसकी इबादत तुम नहीं कर सकते। और फिर आगे क्या फरमाया, वला अंतुम अबुदून मा अबुद, और ना ही तुम लोग मेरी परस्तिश करने वाले माबूद की तुम परस्तिश कर सकते हो, तुम जिद्दी लोग हो। फैसला क्या है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम तुम्हारे दीन पर रहो, हम हमारे दीन पर रहते हैं। आज कॉलेजेस में हिजाब पर अगर हालात आए तो क्यों, काम पर मैगजीन का नतीजा, परवानी बेटी जर्रा वोडनी खिसा ले क्लास में, जर्रा यूं कर ले हिजाब, कौन भी दिखते नहीं, कौन भी देखते नहीं, इस तरह के जो वालिदैन काम पर मेजिंग की राय दे देकर भेजे, तो हुआ क्या, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में 90% बेबुरखा वाली लड़कियां जब बढ़ गईं तो 10% बुरखा वाली लड़कियों पर हालात आए। और से समझो इस बात को, क्यों, जब बेबुरखे वाली लड़कियां बढ़ गईं तो कॉलेज के जिम्मेदारों ने क्या कहने लगे, जब इन्हें भी मुसलमान, उन्हें भी मुसलमान, उन्हें भी मुसलमान, उन्हें भी मुसलमान, जब ये तमाम मुसलमान बेबुरखा आ रहे हैं, तुम लोगों को बेबुरखा आने में क्या तकलीफ। अगर बुरखा, अगर हिजाब फर्ज होता तो ये लोग भी पहनते, ये भी मुसलमान हैं, ये भी तो सैयद हैं, ये भी तो शेख हैं, ये भी तो फलां हैं, ये भी तो फलां हैं, जब ये लोग नंगे सर आ सकते हैं, तुम लोग नंगे सर क्यों नहीं आ सकते। सिकने थूका मुसलमानों के मुंह पर और यूं कहने लगा, हम लोग आज मुत्तहिद हैं, 2% होने के बावजूद अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा हम लोग ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों, हमारे यहाँ दाढ़ी है सबके पास दाढ़ी है, पगड़ी है सबके पास पगड़ी है, जुब्बा है सबके पास जुब्बा है। अगर हमारी औरतें पहनती हैं लिबास पंजाबी तो सब औरतें लिबास पंजाबी में मलबूस हैं, लेकिन तुम लोगों के यहाँ इत्तेहाद नहीं है। दाढ़ी है तो दीनदारों के पास दाढ़ी है, बेदीनों के पास दाढ़ी नहीं। पगड़ी है दीनदारों के पास पगड़ी है, दीगर लोगों के पास पगड़ी नहीं। टोपी है समझदारों के पास टोपी है, ना समझों के पास टोपी नहीं। अगर जुब्बा पैजामा है तो वो उन लोगों के पास जो एहतियात करते हैं, जो एहतियात नहीं करते उनके पास वो भी नहीं है। तो इसी तरह बुरखा है तो चंद के पास बुरखा है, दीगर लोगों के पास बुरखा नहीं। नतीजा क्या हुआ, ये दीगर लोग जो नासूर बनकर, जो सम बनकर, जो जहर बनकर इस्लाम के अंदर घुल मिल गए हैं, इनके नतीजे की वजह से इस्लाम पर हालात आ रहे हैं। चुनाचे एक तरफ हिजाब पर हालात आए, दूसरी तरफ दाढ़ी पर हालात आ गए। नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, जो अल्लाह के तरफ से इजाज़त होने के बावजूद, इलाकाई एतबार से मुकम्मल तौर पर इजाज़त होने के बावजूद, किसी तरह की रुकावट ना होने के बावजूद, अगर कोई सुन्नत पर अमल नहीं करता, उस सुन्नत पर हालात आएंगे, हालात आएंगे, हालात आएंगे। अब तुम दाढ़ी छोड़ते हो कोई पूछने वाला नहीं, तुम अगर नहीं छोड़ोगे, लिबास सुन्नत पहनते हो कोई तुम्हें इनकार करने वाला नहीं, रोक टोक करने वाला नहीं, लिबास सुन्नत पर आ जाओगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह इस्लाम को शरीयत को बचा लेगा। अगर तुमने गफलत की, इजाज़त होने के बावजूद दाढ़ी नहीं रखा, आपसे पूछा गया दाढ़ी क्यों नहीं है, नहीं भाई फलां फलां, अपनी नफसानी एतबार से तुमने कहा, तो उलमा क्या कहते हैं, उलमा ये कहते हैं उसी दाढ़ी पर हालात आएंगे, उसी दाढ़ी पर हालात आएंगे, सुन्नत वाले लिबास पर हालात आएंगे और हिजाब पर हालात आएंगे। चुनाचे मेरे अजीज भाइयों, आज मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं, आज हमारे बच्चों को ले आकर आप मदरसे में दाखिल करें, तादाद बढ़ाएं मदारिस का, बच्चों की तादाद 1000 है, तो आप ये सोचें कि हमारे बच्चे 1000 में स्कूल में जाने वाले कितनी फ़ीसद, मदरसे में जाने वाले कितनी फ़ीसद। माशाल्लाह आजकल तो हम लोगों ने यह भी निज़ाम बना दिया, हर जगह
पर अगर आप स्कूल के साथ मदरसा चलाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए इजाज़त है, आपके लिए रुख्सत है, आपके लिए तरतीब बनाकर दिया जाएगा, बाकायदा आप मदरसे में स्कूल की तालीम दे सकते हैं, उसका भी निज़ाम माशाल्लाह बनता जा रहा है, ताकि बच्चा हमारा पूरा आलिम ना बन सका, कम अज़ कम दीनदार बनकर यहाँ से निकले। इसके लिए मेरे अजीज भाइयों, सब नियत करेंगे इंशाल्लाह। अरे वे सब नियत करेंगे क्या इंशाल्लाह में दम शहना भी करोगे? इतना क्या दम में बिरयानी खाए तक इंशाल्लाह नहीं बोलोगे दुआ कर? अरे करोगे? अरे अरे ढीले सुतरियां है ना जी, ढीले सुतरियां, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौन कौन करेगा? पक्की बात, सबके हाथ उठे हुए हैं, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। दे दे दिला दे दो दिला दो या देने वाले का घर बता दो, तीन काम आप लोगों को करना है। या तो खुद अपने घर से औलाद लाकर मदरसे में जमा करो, आपके घर में माशाल्लाह खानदान में तलाश करो कितने बच्चे मिलेंगे, लाकर मदरसे में दाखिल करो, नंबर एक। दे दो डायरेक्ट। नंबर दो, एक बड़ा मजमा जो किसी मजलिस में नहीं आता, बयान में भी नहीं, जुमे में भी नहीं, ईद में भी नहीं, जाओ जाकर मेहनत करो। दावत और तबलीग का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, जाओ मेहनत करो। एक साहब मिले, बड़े बहुत बड़े आलिम दीन बन गए, अब वो ही कहने लगे, मौलाना जी मैं जो आलिम बना तुम्हारे वालिद के बरकत से। मैंने पूछा वो कैसे? मैं स्कूल पढ़ रहा था, मेरे घर एक मर्तबा तुम्हारे वालिद गश में आए, आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे को आलिम बनाए तो अच्छा है ना, तो वो कहने लगे मुझे कोई मदरसा नहीं मालूम, अगर आपको मालूम हो तो ले जाकर जमा दीजिए। तो आपके वालिद ने तिरपुर की कादरपेट की मस्जिद में ले जाकर मुझे दाखिल कराया था, और आज जो कुछ हूँ वो आपके वालिद की बरकत से हूँ। मैं दे तो वो पूछा मेरे वालिद को, तो उनको याद ही भी नहीं, वो शख्स याद भी नहीं कौन था क्या था, लेकिन उसे याद है जो जाकर आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं, हजरत हाजी अब्दुल रऊफ साहब, मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई रऊफ कुरैशी साहब, उन्होंने 130 बच्चों को ले जाकर निज़ामुद्दीन में आलिम बनाया, 130। तो वहाँ के लोग कहाँ करते थे उस ज़माने में? हजरत अच्छी तरह बखूबी वाकिफ हैं हजरत उनसे भी, कि ले जाकर निज़ामुद्दीन ले जाकर छोड़ कर आते थे, मरकज़ जाकर दिल्ली जाकर छोड़ कर दाखिल कर, यहाँ तक के कहा अक्सर लोगों ने, रऊफ कुरैशी साहब ने हमारे पढ़ाई का पूरा खर्चा संभाला, पूरा खर्चा संभाला। हम लोगों में माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं, अगर भाई आपके आपको अल्लाह ने उसाद दी है, माल दिया है, तो बहुत सारे गरीब बच्चे काम में हैं। आप उनको जाकर पूछे भाई ये बच्चा क्यों काम में है, ये बच्चा क्यों काम में है? नहीं, इन्हें आकर काम किया तो हमारा घर चलता, कितना का रोज़ाना ये 40 रुपये लाता है, 50 रुपये लाता है। मैं मेरे अजीज़ भाइयों, आपको इस बात का एहसास है नहीं है नहीं मालूम, मैं एक मरतबा आ रहा था नीलसंदर से, आते आते शिवाजी नगर में एक बच्चा पैदल मिला, छोटा सा, इतना सा बच्चा पैदल मिला। मैं वो बच्चे से पूछा क्या बेटे ये टाइम में 9:30 बजे कौन सी स्कूल से तो आ रहा सो? कह नहीं 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 भैया, वो असल में मैं स्कूल पढ़ता हूँ शिवाजी नगर में, मेरा वाली शराबी है, शराबी। उसने ये कहा जब तक 20 रुपये ले को घर को नहीं आता, घर में नहीं जमाता, तो मैं स्कूल पढ़ता हूँ और जाता हूँ ये कपड़े की दुकान, कपड़ा उसे सफाई बाहर वगैरह सफाई भी करता हूँ, कपड़ा घड़ी करके जोड़ता हूँ, वो 20 रुपये देते हैं, बस में जाऊँगा तो 7 रुपये टिकट है, तो इसलिए मैं शिवाजी नगर से हेगड़े नगर पैदल चलता हूँ, महज इस बुनियाद पर जाके ले जाकर मेरे बाप को 20 रुपये दूँ और मुझे घर में सोने की जगह मिले। 6वीं क्लास पढ़ने का बच्चा, हजारों बच्चे हमारे इलाके में मिलेंगे, इसे तलाश करो।
मैं कहता हूँ हमारे मदारिस और हमारे असातिज़ा हमारे अकाबिर का ये सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ी करामत है। जिन लोगों को, जिन बच्चों को तुम लोग नालायक समझते हो, हम लोग उनको लायक बनाकर फारिग करते हैं। जिनको तुम लोग नालायक समझकर बासन धोने के लिए लगा दिया, चाय का बर्तन धोने के लिए लगा दिया, होटल में काम करने के लिए लगा दिया, मैकेनिक बनाने के लिए लगा दिया, और तुम लोगों ने उनको शरीर समझकर पढ़ाई से छुड़वा दिया, उन बच्चों को माशाल्लाह मदारिस की करामत है, आलिम बनाकर, हाफिज बनाकर और मुकम्मल तौर पर अल्लाह रहबर बनाकर उनको वहां से फारिग कराता है। ये असातिज़ा की करामत है, कुरान का मोजिज़ा है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप हजरात जो अल्लाह ने पैसा दिया, जिम्मेदारी लो, चार बच्चों की कफालत मैं लेता हूँ, पांच बच्चों की कफालत मैं लेता हूँ, दस बच्चों की कफालत मैं लेता हूँ, कफालत लीजिए। मदरसे वालों से कहिए ये दस बच्चों का जो खर्चा होगा माहाना 2000 रुपये, 20000 रुपये लाकर मैं जमाता हूँ, ये दस बच्चे पढ़ना, आलिम बनना, हाफिज बनना, इनके बारे में कोई फिक्र ना करना, आप बेफिक्र रहें, इनकी फीस लाकर मैं जमाऊंगा। आप ये भी कोशिश कीजिए, जाइए लोगों को, बच्चों को तश्किल कीजिए, लाइए मदारिस में जमाइए, उनके कपड़े का, खाने का इंतज़ाम कीजिए, इंशाल्लाह वही बच्चे चंद सालों के बाद वो मुक्तदा बन जाएंगे, वो तरावी पढ़ाएंगे, तुम लोग उनके पीछे तरावी पढ़ोगे, वो इमामत करेंगे, तुम लोग उनके पीछे मुख्तदी बनोगे, वो खुतबा देंगे, उनका खुतबा तुम लोग सुनोगे। ये वही बच्चा है जिस वक्त हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जलसे में आ रहे थे, बहुत बड़े सेठ साहब, वो गए, जाने के बाद उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। बहुत बड़ी लंबी कार, उस ज़माने में जहाज़ की शक्ल में कार हुआ करती थी, वो कार में ला कर बिठाया, घर के पास ले आए, लाने के बाद बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ इस्तकबाल हुआ। ले आकर हजरत को अंदर माशाल्लाह उजरे में ले जाया गया, और वो जो जनाब थे, हजरत वजू करके बाहर आए तो वो सेठ साहब टवल लेकर खड़े हुए थे, हजरत को इनायत फरमाया। हजरत ने मुंह पोछते हुए ये पूछा सेठ साहब से, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं? तो सेठ साहब ने कहा, हजरत आपको कौन नहीं जानता, आप तो मुफ्ती आजम है पूरे हिंदुस्तान के, कौन नहीं जानता? हजरत फरमाए, अच्छा जानते हैं, कब से जानते हैं? अब हजरत हम तो बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, उससे आगे नहीं जानते। का नहीं, क्या आपको याद होगा, आज से तकरीबन 28 साल या 30 साल कबल आपके दहलीज पर एक नौजवान आया था और दरवाज़ा खटखटाया और आपसे कहा, सेठ साहब ज़रा मेरा खुराक जारी करा दीजिए। और वहाँ से मुकर्रर जवाब आया, नहीं, हमारा कोटा मुकम्मल हो गया, अब एक टिकट की भी गुंजाइश नहीं है। फिर उसके बाद वो बच्चा गया, ये घर की काम वाली औरत आई, जब देखा कि ये रो रहा था, पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, अब खाला जान बात ये है कि मेरा दाखिला तो हो गया, लेकिन मुरादाबाद में, कहा कि मेरा दाखिला तो हो गया लेकिन खाने का इंतज़ाम नहीं हुआ, कोई भी मेरी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। उस अल्लाह की बंदी ने कहा, तू बेफिक्र रह बेटा, मुझे रोज़ आना, मजदूरी में सुबह दो रोटी मिलती है, शाम में दो रोटी मिलती है, एक रोटी लाकर मैं तुझे दे दिया करूँगी, एक रोटी मैं खा लिया करूँगी, मुझे भी कोई बच्चा नहीं है, मुझे भी कोई औलाद नहीं है, तुझे मंजूर है तो मैं ये काम करने को, ये खिदमत करने को तैयार हूँ। उन्होंने उस बात पर, वो अल्लाह का बंदा राज़ी हो गया, पढ़ाई शुरू हुई। कहते हैं वो नौजवान बच्चा जब पढ़ कर बाहर आता था, वो खातून, वो खाला जान बाहर खड़े होकर एक रोटी रखकर इंतजार करती थी, कभी आधा घंटा इंतजार, कभी एक घंटा इंतजार। जब मैं पढ़कर आता था वो रोटी देती थी, मैं जाकर बड़ी खुशी से आंखों से लगाकर खा लिया करता था। आखिरी फरागत तक भी मेरी कफालत उस बुढ़िया ने संभाली, आखिर में उसका इंतकाल हो गया और वह बच्चा फारिग भी हो गया। जानते हो जनाब वह बच्चा कौन था? वह बंदा नाचीज, मैं हूं किफायतुल्लाह, वो बच्चा किफायतुल्लाह है जो एक जमाना आपके दहलीज पर आकर खटखटाया, आपने ठुकरा दिया। आज जो कुछ मैं कर रहा हूं वो खाला के ईसाले सवाब में मेरी नेकियां जा रही हैं।
मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप हजरात कफालत उठाओ। अब आइंदा इंशाल्लाह हमारे इस मदरसे में 5 साल मौलवी कोर्स इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। आजकल तो लोग शॉर्टकट कोर्स करने के ज़्यादा आदि हो गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत छुट्टी कम इंशाल्लाह पढ़ाई ज़्यादा, इस तरह करते हुए 5 साल इंशाल्लाह मौलवी कोर्स करने का यहाँ पर नज़म बनाया जा रहा है। अल्लाह ने इनके इस इकदाम को बेइंतहा कबूल फरमाए, इस इफ्तिताह को बेइंतहा कबूल फरमाए। बुज़ुर्गों की दुआ से अल्लाह ताला हर तरह के खैर मुकद्दर फरमाए, नजरें बसीफात फरमाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, या तो खुद अपने ख़ानदान से बच्चों को दे दो, या नहीं तो तश्कील करके बच्चों को दिला दो, या नहीं तो खुद ले जाओ उलमा इकराम को ले जाकर, जो लोग बच्चों को दे सकते हैं उनसे जाकर बात कराओ, और ताकि वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में आकर पढ़ने वाले बन जाएं। इसी को दे दो दिला दो, देने वाले का घर बता दो कहा जाता है। इसी तरह सिर्फ और सिर्फ बच्चों ही के मामले में नहीं, जब भी आपको अल्लाह ताला माल दिया है तो ज़रूर अपने माल के अतबार से ताउन भी मदरसे को करना, और उसमें भी जो भी दे रहे हैं आप दीजिए खुशी से, जो दिला सकते हैं दिलाइए, या जो दे सकते हैं उन तक रहबरी कराइए। अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल व करम से कही हुई बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर तरह के खैर मुकद्दर फरमाए, हर तरह के शर से इफ़ात फरमाए। मैं काबिर उलमा से माजरत चाहते हुए आप हजरात से भी इजाज़त और रुख्सत लेता हूँ। बस इतनी गुजारिश है, जो बातें कही गई हैं उन बातों पर अमल करने का इसमें मुसम्मम करें। इंशाअल्लाह आइंदा जो जलसा हमारा इस मदरसे का होगा, उस वक्त आप देखेंगे इंशाअल्लाह हमारे इन हाजिरीन के बच्चे हाफिज बनकर आलिम बनकर यहाँ से अल्लाह ताला उनको फारिग कराएगा। अल्लाह ताला हर तरह के खैर मुकद्दर फरमाए, हर तरह के शर सिफात फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया अदा करते हैं।